सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट टेक न्यूज और रोजगार न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले, तो साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं डिजी ग्लास। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं ये आज का 3 सितंबर 2018 का इन आज का पेपर में जो न्यूज निकल कर आ रही है कि 20 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो 10th और इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो स्टूडेंट अभी तैयारी में लगे हुए हैं उसके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ आज का देखिए, यह दिखा रहा हूँ मैं आपको, हमारे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से ये जो है 2019 का जो कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर, उन्होंने जारी कर दिया है। इसको आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो वेबसाइट है वहाँ से पा सकते हैं। हालांकि ये अभी यहाँ पर लिंक नहीं किया गया है, आज या कल तक में इसे लिंक कर दिया जाएगा, उसे आप कैलेंडर को आसानी से देख सकते हैं। इसे सबसे पहले हिंदुस्तान में छापा है और मैं आपको सबसे पहले ये न्यूज़ दे रहा हूँ। जो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट, उसके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है, वो तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों यहाँ पर कब क्या होगा, कैसे होगा, कब फॉर्म भरना है, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं खबर देखा आ रही है कि जैक यानी जो झारखंड का जो एकेडमिक काउंसिल है 2019 का, उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है और अगले साल यानी 2019 में 20 फरवरी से ये मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि मैट्रिक की जो परीक्षा है वो 6 मार्च तक चलेगी और शुरू होगा आपका 20 फरवरी से, और जो आपका इंटर की जो परीक्षा है 12वीं की वो 12 मार्च को ख़त्म होगी और वो भी 20 फरवरी से भी शुरू होगा। और आपको जो ये रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, आप मैट्रिक का वो कब से कर सकते हैं, ये 18 सितंबर से आपकी मैट्रिक का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होगा बिना विलंब के साथ, और आप लेट फाइन के साथ आप कब से कर सकते हैं, आप 29 अक्टूबर तक जेक के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ये है दोस्तों ये जो कैलेंडर है उसके मुताबिक ये हिंदुस्तान में छापा गया है, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। एक दो दिनों में वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों रिजल्ट जो है मैट्रिक का रिजल्ट आपको 20 मई को मिल जाएगा, और जो है इंटर का तीनों संकाय का रिजल्ट एक साथ 30 मई को जारी किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सारा न्यूज़ निकल कर यहाँ पर आया है, धीरे धीरे सबको यहाँ दिखा रहे हैं आपको। और जो परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो 11 दिसंबर से शुरू किया जाएगा, ये इंटर के लिए है। और छात्र जो है 25 जनवरी से अपना जो एडमिट कार्ड है यानी प्रवेश पत्र वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, कब से रजिस्ट्रेशन होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब से आप लेट फाइन तक भर सकते हैं, और आपका जो एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए 25 जनवरी से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सारा न्यूज़ यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कब क्या होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि 18 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना लेट फाइन के साथ, और अगर आप नहीं किए उस समय में तो आप 29 अक्टूबर तक लेट फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो 2 मई से है वो आपका कॉपी का जो मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, और 20 मई को मैट्रिक का रिजल्ट और 30 मई को इंटर का रिजल्ट जारी होगा। ये दोस्तों था जेक का यानी जो झारखंड के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये न्यूज़ था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी, और दोस्तों जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा मैं आपको वीडियो बनाकर लाऊंगा और आपको अपडेट सबसे पहले दूंगा। इसीलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।